हेलो स्टूडेंट्स, वेरी वेरी वेलकम टू IFS स्टूडेंट्स। CSR नेट एग्ज़ाम की जो जुलाई 2024 में हुई थी उसकी रिस्पांस की और प्रोविजनल आंसर की, ये दोनों अभी आपको CSR नेट के ऑफिशियल वेबसाइट पे तो मिल ही जाएंगे और वहीं से आप लोगों को अपना जो स्कोर है वो स्कोर भी पता चल जाता है। अब इसमें स्कोर में जो चेंजेस होंगे वो तभी पॉसिबल है जब किसी क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत दिया हो, जिसके चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। और उसी के साथ साथ आज हमारा पेपर डिस्कशन भी हुआ, तो उस पेपर डिस्कशन में भी हम लोगों ने देखा है कि जो आंसर्स वहां पर मिले ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चन के आंसर सही वहां पर दिए गए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन निकल के आता है जिसका आंसर कहीं पर गलत दिया जाता है तो फाइनल आंसर के में थोड़ा बहुत उस आपके स्कोर में चेंजेस हो जाएगा। लेकिन अभी फाइनली ऑलमोस्ट आप बोल दीजिए कि 95% आपको आपका जो फाइनल स्कोर है वो पता चल चुका है। अब इस फाइनल स्कोर के साथ आप CSR नेट की जो एग्जाम है उस एग्जाम में LS क्वालिफाइड हो पाएंगे या फिर GRE क्वालिफाइड हो पाएंगे, इसके रिगार्डिंग हम लोग थोड़ी सी बात कर सकते हैं, थोड़ा सा जान सकते हैं। क्योंकि आप लोगों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बनाई है, यहाँ पर आप लोग IFS क्वालिफायर प्रेडिक्टर जो है उस क्वालिफायर प्रेडिक्टर में अपना स्कोर डाल के चेक कर सकते हैं कि CSR नेट एग्जाम में आपके क्वालिफिकेशन की किस लेवल के चांसेस क्रिएट हो रहे हैं। ये जो क्वालिफायर प्रेडिक्टर है इसके लिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी स्टेप्स को फॉलो करना है। और ये जो स्टेप्स है क्या है, स्टेप्स टू फॉलो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे हैं। विजिट www.ifsonline.com एंड क्लिक ऑन क्वालिफायर प्रेडिक्टर। अगर आप लोगों ने पहले रजिस्टर्ड नहीं किया तो सिंपली रजिस्टर्ड कर दीजिएगा वहां पर, उसके लिए कोई भी फी आपको पे नहीं करनी है। उसके बाद आप क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर के ऊपर आप क्लिक कर सकते हैं और क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर में देख सकते हैं। उसके बाद आपके CSR नेट एग्जाम के जो डिटेल्स है वो डिटेल डाल दीजिए। डिटेल में आपको बहुत ज़्यादा डिटेल की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए, वहाँ पर सिर्फ अपना एप्लीकेशन नंबर चाहिए, अपना नाम चाहिए, अपना मोबाइल नंबर, वो तो आपके रजिस्ट्रेशन के बाद अपने आप आ जाता है, और अपना स्कोर चाहिए जो कि इम्पोर्टेंट है प्रेडिक्टेशन डिफाइंड करने के लिए। और जैसे कि मैंने बोला अपना स्कोर जो है वहाँ पे डाल दीजिएगा एंड योर रिजल्ट स्टेटस अपीयर ऑन योर स्क्रीन। उसके बाद आपका जो स्कोर है उसी स्कोर के साथ आपका रिजल्ट जो है वो भी अपनी स्क्रीन पर जल्द ही स्क्रीन पर विजिबल हो जाता है, दिख जाता है। इसी के साथ साथ IFS का लर्न फ्री का सेक्शन में भी बहुत सारी चीज़ें जो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम जाते हैं IFS की ऑफिशियल वेबसाइट पे। मैं वहाँ पे जाके आप लोगों को दिखा दूंगा कि किस तरीके से आप क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर जो है उसको यूज़ कर सकते हो और अपना स्कोर जो उसको चेक कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, तो जैसे ही हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट के लिए यहाँ पर सिंपली सर्च कर देंगे, IFSonline.com का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देता है। IFSonline.com का ऑप्शन जैसे ही दिखाई देता है तुरंत आप लोगों को उसके ऊपर क्लिक करना है, तो हमारी जो IFS की ऑफिशियल वेबसाइट है वो आप लोगों को यहाँ पर दिख जाएगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट में आप लोग यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अब लॉगिन के ऑप्शन के लिए अगर आपने पहले ही अगर रजिस्टर्ड किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर एंटर योर मोबाइल नंबर पर क्लिक करके अपनी जो बेसिक जो डिटेल्स चाहिए, अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कौन से स्टेट से आते हैं, कौन से सब्जेक्ट में आप इंटरेस्टेड हो, तो वो डिटेल में बेसिक सी इन्फॉर्मेशन जो है वो डाल सकते हैं और फिर लॉगिन कर सकते हैं। तो चलो मैं एक बार इसको लॉगिन भी कर देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ पर मेरा नंबर डाला हुआ है, नंबर डालने के बाद तुरंत आपको यहाँ पर OTP भी आ जाएगा और उस OTP को डालकर आप लोग यहाँ पर अपना जो लॉगिन जो है उस लॉगिन को देख सकते हैं। ठीक है, चलो मैंने यहाँ पर OTP भी डाल दिया। OTP डालने के बाद तुरंत मेरा जो फ्री अकाउंट है वो अकाउंट यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। अब इस फ्री अकाउंट के साथ आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि आप कौन से एग्जाम के इसके लिए आप इंटरेस्टेड हो, देखना चाहते हैं। बट जैसे आप लॉगिन कर देते हो आपको तुरंत सबसे पहले डैशबोर्ड पे दिख जाता है, डैशबोर्ड की स्क्रीन पे प्रेडिक्ट योर क्वालिफिकेशन एंड सिलेक्शन चांसेस, क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर। इस क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर के ऊपर आप लोगों को यहाँ पर जाना है और जैसे आप यहाँ पर पहुँच जाते हो आपको यहाँ पर सिंपली अपनी कैटेगरी, ठीक है, EWS है, अनरिजर्व है, SC, OBC, ST, PWD, यहाँ पर अपना रोल नंबर, अपना सब्जेक्ट और अपना स्कोर, इतनी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर सिंपली डाल देनी है। जैसे आप इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डाल देते हो और सबमिट कर देते हो तो आपको अपना GREF या फिर ELS कौन से कैटेगरी में अपने चार्जेस बन रहे रिजल्ट के वो यहाँ पर प्रेडिक्ट करवा के
किया जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है, इस प्रोसेस को आप लोग फॉलो कर लीजिएगा। इस प्रोसेस को फॉलो करने के बाद आपकी जो प्रिपरेशन जो है उस प्रिपरेशन में भारी बहुत अच्छी तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि आपकी प्रिपरेशन और प्रिपरेशन के जो भी नतीजे हैं वो यहाँ पर दिख जाएंगे। इसी प्रिपरेशन को और बेहतरीन अगर किसी स्टूडेंट को करना हो, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनका स्कोर अच्छा नहीं आ रहा है, तो आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें फ्रीली IFS की ऐप में मिल रही, तो जाइए अभी जाके रजिस्टर कर लीजिएगा, क्वालिफिकेशन प्रेडिक्टर में अपना स्कोर देख लीजिएगा, और उसके बाद अगर आपको अपकमिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है तो उस प्रिपरेशन के लिए इस कंटेंट को भी वहीं से फ्रीली डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स एंड हैव लर्निंग।